6 आस्थापनांच्यावर गुन्हे नोंद करून त्यापैकी 4 ऑर्केस्ट्रा 4 आस्थापनांची ऑर्केस्ट्राची परवानगी निलंबित करण्यात आलेली असून उर्वरित 2 आस्थापनांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य उत्पादन शुल्काला कळवण्यात आलेलं आहे. नमस्कार, मेरा नाम है भरत राजपुरोहित और आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज. आइए जानते हैं मुख्य खबरें. हर साल कई मंत्री विधानसभा में सख्त कदम उठाने का वादा करते हैं जिसे नवी मुंबई में लाइव ऑर्केस्ट्रा और डिस्को बार पर नियंत्रण किया जा सके. उन्होंने कहा था कि जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही कहानी बयान कर रही है. नवी मुंबई में लाइव ऑर्केस्ट्रा और डिस्को बार की संख्या बढ़ती जा रही है. यह स्पष्ट है कि मंत्रियों के वादे सिर्फ खोखले बयान बनकर रह गए. बार संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे. कुछ वीडियो में देखा गया कि बार संचालक ग्राहकों को नियमों का पालन कराने में असफल हो रहे. नियमों के अनुसार बार वालाओं के मंच के ऊपर 3 फुट ऊंचा का ग्राफ होना चाहिए. ग्राहकों और बार वालाओं के बीच 5 फुट की दूरी होनी चाहिए. बार वालाओं को चूने और उन पर पैसे उड़ाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं. ग्राहकों को बार वालाओं के मंच पर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और कोई भी बार वाला 21 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए. भ्रष्टाचार और ढिलाई की वजह से ये समस्या बढ़ रही है. इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए और भ्रष्ट मंत्रियों व पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाए. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी या नहीं. यदि सीपी ने इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रदेश सचिव रमेश यादव के नेतृत्व में सीपी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. आइए जानते हैं उन्होंने क्या. नई मुंबई पुलिस आयुक्तालय के हद्दी मध्ये येणारे लेडीज बार, लाइव ऑर्केस्ट्रा, डिस्को व पब हे वेळेचे मर्यादा न पाळता तसेच लायसन्स देतेवेळी नियम अटी लागू केलेल्या पाळल्या जात नाही याचा सर्वसामान्य लोकांना त्रास वाढला असतानाही नवी मुंबई पोलीस अशा अवैध धंद्यांना पाठीशी घालत आहे. तरी पाठीशी घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर व लेडीज बारवर कारवाई न केल्यास हजारोच्या संख्येने अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढून कारवाईची मागणी करणार आहे. याची नोंद सरकारने घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा होणाऱ्या नुकसानीला सरकार जबाबदार असेल याची सन्माननीय गृहमंत्र्यांनी डोळे उघडून लक्ष घालावे